Singh statement is Raina, who was flanked by several top BJP leaders including former Deputy Chief Minister Kavinder Gupta, said restoration of law and order is the need of the hour. This year, 23 June 2018, Shama Prasad Mukherjee Ji ko Shradhanjali bhent karne ek bade karyakram ka Bharatiya Janata Party ne aayojan kiya hai. और 23 जून को भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित शाह जी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे और जम्मू में वुमेन परेड कॉलेज और ब्राह्मण सभा के साथ जो एक लगता खुला प्रांगण है वहां के अंदर एक बड़ी जनसभा का भारतीय जनता पार्टी ने आयोजन किया है. देखिए पिछले 3-4 महीने से जम्मू कश्मीर के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो बड़ी डिटेरियोरेट हो रही थी और दिन ब दिन कानून व्यवस्था चरमरा रही थी. हमने बार बार कोशिश की कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो और इसके लिए रमजान के पवित्र महीने में भी केंद्र सरकार ने एक शांति बहाली की पहल की, एक पीस इनिशिएटिव लिया. लेकिन हमने देखा कि उस शांति बहाली के भी अलग मतलब निकाले गए जिस और हमने कोशिश की कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक हो. लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक होने के बजाय हर दिन ये इसकी हालत जो थी डिटेरियोरेट कर रही थी, खस्ता हालत हो रही थी और अंततः भारतीय जनता पार्टी को यह निर्णय लेना पड़ा कि हम गठबंधन सरकार से बाहर आकर जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नर रूल्स इंपोज हो ताकि सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन काम करे और रूल ऑफ लॉ कानून व्यवस्था को बहाल किया जाए, रूल ऑफ लॉ को रेस्टोर किया जाए. इस प्राथमिकता को लेकर राज्यपाल शासन लगाया गया. सेना के लिए किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है. सेना आतंकवादियों को चुन चुन कर समाप्त करेगी. वो लोग जो देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरनिटी के लिए खतरा है, जो बॉर्डर पार करके आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं, जो लोग बेगुनाह लोगों का कत्ल करते हैं, पाकिस्तान से बम बंदूक पिस्तौल गोलियां लेकर आते हैं और जम्मू कश्मीर के बेगुनाह लोगों को टारगेट करेंगे और कानून को अपने हाथ में लेंगे और जम्मू कश्मीर को कब्रिस्तान बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसे एंटी नेशनल एंटी सोशल एलिमेंट्स के साथ सेना खुलकर ऑपरेशन करेगी और जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों का सफाया हो, ये भी हमारा प्रयास है. इट वॉज अवर पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू फॉर्म द गवर्नमेंट. इतना बड़ा मैंडेट लेने के बाद भी अगर हम भाग जाते तो लोग ये कहते हैं कि ये सत्ता ये सरकार नहीं चला सकते और हमने सरकार बनाई, गठबंधन सरकार बनाई और एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया. लेकिन जब हमको लगा कि राष्ट्र हित के सामने चुनौतियां खड़ी हो रही है, देश के सामने चुनौतियां खड़ी हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने देश हित को राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए सत्ता से बाहर आने का निर्णय लिया है. अभी असेंबली को सस्पेंडेड रखा गया है, अभी असेंबली को बर्खास्त नहीं किया गया है. अभी 3 साल का टेन्योर बचा है लेकिन आगे भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा वो भगवान जानते हैं. बात ही चल रही है. लेकिन सबसे पहले उमर अब्दुल्ला साहब ने जो बोला है वो उनका अपना निजी व्यू हो सकता है.